नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल धरती पुत्र पर आपका स्वागत है। मैं हूं मेघ सिंह भाटी और इस चैनल पर मैं वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग और पशुपालन से जुड़े वीडियो जो शेयर करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में बात हो रही है वर्मी कंपोस्ट की। तो जब से मैंने वर्मी कंपोस्ट पर वीडियो बनाना शुरू किया है, उसके बाद से यूट्यूब पर मेरे वीडियोज देखकर काफ़ी लोगों ने मुझसे संपर्क किया और ज़्यादातर लोगों का सवाल यही था कि हम कितने केंचुओं के साथ वर्मी कंपोस्ट बिजनेस की शुरुआत करें, हम शुरुआत में कितने बेड लगाए। तो दोस्तों, मेरा कोई ज़्यादा बड़ा लंबा अनुभव नहीं है, मैंने कुछ इसमें ज़्यादा नहीं किया है, मैंने खुद भी 4-5 महीने पहले ही शुरुआत की है और एक शुरुआती चरण में ही मैं हूँ, लेकिन जो अनुभव मुझे मिला है वो मैं आपके साथ यहाँ पर बांट रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा यही मानना है कि आपको छोटी शुरुआत वर्मी कंपोस्ट की करनी चाहिए। आपको बता दूं कि मैंने खुद भी एक छोटी सी ही शुरुआत की थी, मैंने केवल 10 किलो केंचुए मंगवाकर वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया था और अभी मेरे केंचुए काफ़ी मात्रा में बढ़ चुकी है। तो आपको भी छोटी शुरुआत करनी चाहिए। होता यह है कि जब आप वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू करते हैं तो आपको बड़ा अनुभव नहीं होता है, आपको पता नहीं होता है कि खाद बनती कैसे है। तो ऐसे में जब आप छोटे बेड के साथ शुरू करेंगे और पूरी प्रक्रिया से गुजरेंगे तो आपको पूरा अनुभव हो जाएगा, उसके बाद आप लंबी शुरुआत, बड़ी शुरुआत कर सकते हैं। दरअसल जब आप खाद बनाना शुरू करते हैं और खाद बनाकर रहते हैं, उसके बीच में काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं, जैसे चूहे, चींटियाँ, बरसात आती है तो और भी कई सारी समस्याएं होती है, जैसे कि गोबर गर्म हो जाता है, केंचुए मरने लगते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से आपको गुजरना होता है। तो ये सारी चीज़ों से गुजरने के बाद ही अगर आप लंबी शुरुआत करेंगे, बड़ी शुरुआत करेंगे तो बेहतर रहेगा। इससे आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, आपका रिस्क ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि एक छोटा सा बेड बनाएंगे तो भी वही प्रक्रिया रहेगी और आप बहुत सारे बेड बनाएंगे तो वही प्रक्रिया रहेगी, लेकिन नुकसान इसमें बढ़ जाएगा। ऐसे में अगर कम बेड रहेंगे तो आपके जो नुकसान का जो रिस्क है वो बहुत कम रहेगा। और दोस्तों, इसके अलावा भी एक चीज़ रहती है, वो ये कि हम जो केंचुए मंगवाते हैं वो यूट्यूब पर वीडियोस देखकर, कोई नंबर वगैरह हमें दिया रहता है, हम उन पे कॉल करके उनसे केंचुए मंगवा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग केंचुए कम बेचते हैं। मुझे भी उन्होंने, मैंने 10 किलो केंचुए मंगवाए थे और केंचुए बहुत ही उन्होंने कम भेजे थे। तो ऐसे में अगर हम ज़्यादा केंचुए मंगवाएंगे तो इसमें भी हमारा नुकसान ज़्यादा रहेगा, इसलिए शुरुआत में एक बार उनको देखने के लिए वो किस तरह के केंचुए भेजते हैं, हमें कम केंचुए ही मंगवाने चाहिए, फिर हमें पता चल जाएगा कि वो किस तरह से केंचुए भेजते हैं, उनका क्या हिसाब किताब रहता है, उसके बाद भी हम ज़्यादा केंचुए मंगवाते हैं तो बेहतर रहेगा। तो कुल मिलाकर सारा हिसाब देखने के बाद यही लगता है कि शुरुआत छोटे बेड से करें, एक बार वो पूरी प्रक्रिया से गुजरे और उसके बाद बड़ी शुरुआत आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो बहुत ज़्यादा बेड उसके बाद आप लगा सकते हैं, और अगर आपके पास बजट कम है तो आप थोड़े हिसाब से और केंचुए मंगवा सकते हैं, और जो आपने बेड लगाया है उससे केंचुए बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे आप ग्रोथ करेंगे। अब आप पर यह निर्भर करता है कि आप एक शुरुआत में ही लंबी रेस लगाना चाहेंगे या फिर एक छोटी कछुए वाली जो शुरुआत है वो करना चाहेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दूंगा और मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ। धन्यवाद।